कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही हो गए। एंड हमारा पूजा, और आज मैंने कुछ स्पेशल ये किया है, ये फूल को आरती में लगाया, जबकि ये शाम को मैं आरती लगाती हूँ, ये तो सुबह लगाती हूँ गोल वाली। आपको पता होगा अगर आप मेरी ब्लॉग देखते होगे तो गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा पूजा, और मैंने पीयू को रेडी भी कर दिया था, मीन्स रेडी करके पूजा पे बैठी थी, मतलब नहा के पहले सुबह उठी, फूल तोड़ के नहा के फ्रेश होके पीयू के लिए खाना बनाया। और नवीन आज थोड़ा लेट जाने वाले हैं, तो उनका सिर्फ सेकने का है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ सेकने का ही है, और मुझे भी निकलना है, सो उनके साथ ही निकल जाऊंगी आज, क्योंकि वो भी उधर ही जा रहे हैं, तो उनके साथ ही निकलूंगी आज। तो थोड़ा सा आधा एक घंटा लेट होगा थोड़ा, बस और कुछ नहीं, तो सिर्फ सीखना है और ऑलमोस्ट काम सारा हो के और आने के बाद ही मैं थोड़ी सी पोछा ओछा जो भी होता है आने के बाद से ही करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, और ये सो रहे हैं, फाइनली गाइस आ गए और घर का काम कंप्लीट किया। बाल मेरे देख लो गए, बिकॉज मैं आके थोड़ा सा लेटी हुई थी, और नवीन भी आ चुके हैं, और इनकी आज फरमाइश है पकौड़े खाने की। सो एक वाइफ का फर्ज निभाना पड़ेगा, तो मैं चली पकौड़े बनाने। आलू और बताती हूँ कैसे, आलू और फ्लावर के लाइक एक्चुअली आलू और फ्लावर के पकौड़े बनाने। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगी मैं आलू के पकौड़े, मैं पकौड़े खाऊंगी नहीं, मैं अपने लिए मुरमुरे बनाऊंगी शाम का। बैंगन भी बना दे रही हूँ, लेकिन बैंगन भी कैसा बनता है, कैसा बनता है, मतलब मैं बैंगन बहुत कम बनाती हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ आपको कैसा बनेगा। रेस्टोरेंट में कौन नहीं है जो मिश्रा जी को नहीं जानता होगा, वेंडर से लेकर के या कंपनी के ऑफिसर। मैं बना रही हूँ पकौड़े बैंगन के, तो अभी जस्ट चालू थी। ये पकौड़े बनाई थी नीता भाभी, बड़ा अच्छा बनाई थी बैंगन का, बहुत अच्छा बनाई। केला के पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, अच्छा केला की तुम्हारे घर बन रहे पकौड़े पकौड़े पकौड़े। तो यही से हमारी प्लानिंग थी जाने की, बट बोल रहे हैं ना हमारा अभी इनका कैंसिल हो गया। नवीन तुम ज्यादा पेट बाहर कर रहे हैं, इतना नवीन के पेट बाहर होते जा रहे, वैसे एक खानदानी है पूरे हमारे घर में, जितने जेंट्स लोग हैं ना सबके पेट बाहर है, वो खाना कम खाए या ज्यादा खाए बट उनका पेट बाहर ही रहता है। इनका भी है, जटा जी का भी है, इनका है, बड़े भैया का है, राकेश भैया का, सबका सबका पेट बाहर है। बोलते हैं लोग खाते पीते घर से, हम लोग मतलब जो नहीं खाता पीता है वो उसका पेट बाहर नहीं होता है, अच्छी
पकौड़े बन गए, हमारा नहीं हमारे, ये इस सारी तैयारी मैं करती हूँ, लेकिन ये हमारे सेफ डिप फ्राई करते हैं। क्यों सर? हाँ तो बोला तुम ही करो। हाँ तुम ही करो, तुम्हारा हेल्प कर दूँगा कोई हेल्प। अच्छा टीवी देखने वाला था ना, टीवी देखता था, मतलब टीवी देखना छोड़ के आ गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या सही नहीं है इतना प्यार। और बोलो कि पकाते फ्राई करते हो तुमको खाने को मिल रहा है, फिर जब आराम से बैठोगे फिर खाओगे। देखती हूँ पीहू सो रही है, पीहू को उठाऊं, और इतने घर में काम रहते हैं मैं आपको क्या बताऊं, क्या ही बताऊं। पीहू सो रही है, पीहू को उठाती हूँ बिकॉज ये आने के बाद से खाना नहीं खाती, सो जाती है। आई थिंक अपने रूम में सो रही है। देखो उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, पकौड़े बन रहे, जल्दी आओ। तो पीहू हमारी उड़ गई पकौड़े खाने के लिए, चलते हैं नीचे और नवीन मेरे लिए मुरमुरे रेडी करेंगे, उसे प्याज टमाटर सब बनाएंगे, फिर होगा। खाने के बाद से इन लोग की फरमाइश हुई है खीर की, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर। और बना जरूर रही हूँ बट मैं नहीं खाऊंगी, ये नवीन और पीहू ही खाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने डाइट में क्या क्या फॉलो करती हूँ। सो स्टैंड तो नहीं दिख रहा बट स्टैंड वगैरह मैं इससे ही काम चलाती हूँ। कैमरा इधर उधर, सो मैं अपने डाइट में क्या फॉलो करती हूँ, स्नैक्स में क्या फॉलो करती हूँ, मैं पूरी खाती हूँ, प्लेट में ला देती हूँ। मेरे डाइट में होते हैं ये मुरमुरे हैं और बेसन के, मतलब इवनिंग टाइम में स्नैक्स टाइम पे मैं सभी लोग अगर पकौड़े खाए, मैगी खाए और कुछ भी खाए ना, तो बट मैं वो चीज़ नहीं खाती हूँ। मैं खाती हूँ ये ज्वारी है, ज्वारी ज्वारी बाजरी ज्वारी ज्वारी वाइट वाली ज्वारी है, ये ज्वारी है और इसके मुरमुरे हैं। जैसे कि हम चावल के मुरमुरे होते हैं ना, मुरमुरे या मूरी, हर जगह अलग अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र में मुरमुरे बोलते हैं, तो ये मुरमुरे हैं। ये मुरमुरे कहाँ दिख रही है, हाँ ये मुरमुरे हैं, इसको मैं इसमें मैंने ना बेसन की ये डाल रखे हैं, बहुत कम है ये मुरमुरे ज़्यादा हैं और बहुत कम है, मीन्स ज्वारी के मुरमुरे ज़्यादा हैं, तो इसको मैं शाम को इवनिंग टाइम पे लेती हूँ। और इस डब्बे में मैंने रखा हुआ है इवनिंग टाइम का स्नैक्स, मेरा डाइट में यही रहता है। एक्चुअली पहले मैं मुरमुरे लेती थी लेकिन बट अभी क्या है, अभी मैं उस दिन मॉल गई थी तो मेरे को ये दिखा ज्वारी का दिखा, तो बहुत फ़ायदा करता है। बोलते हैं ना कि अगर आप गेहूँ के आटे की जगह पे ज्वार की रोटी खाओ तो फायदा करेगा। सच पूछे तो मैं शादी से पहले कभी ज्वार बाजरी कभी नहीं देखा था मैंने, और शादी के बाद भी मैंने महाराष्ट्र में ही देखा, महाराष्ट्र में 3-4 साल होने के बाद ही मैंने ज्वारी बाजरी देखा यहाँ पे। ज्वारी कैसा होता है, बाजरी होता है, मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं मेरे घर में किसी ने नहीं देखा था ना, मेरी बहन ने, मेरी भाई ने, पापा मम्मी देखे होंगे बट हमने ज्वारी बाजरी नहीं देखा था सर। और आप लोग ऐसा भी लगता हो कि हाँ ने झूठ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे घर हमने देखा ही नहीं था ज्वारी कैसा होता है, बाजरी कैसा होता है। हम मैं तो नासिक में आके देखी, अब मेरी बहन भी आई थिंक दिल्ली जाती रहती होगी वो भी, और नासिक में मैंने ज़्यादा देखा बिकॉज क्या है ना, महाराष्ट्र के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं ज्वारी बाजरी, महाराष्ट्र के लोग बहुत ही ज़्यादा ज्वारी गेहूँ बहुत का यूज करते, अगर गेस्ट कोई आए ना तो उनके घर में गेहूँ की रोटी बोलती बनती है, नहीं तो अदरवाइज वो ज्वारी बनती है। मेरे घर में भी गेहूँ ही बनता है, कभी कभार ऐसा मैं बना लेती हूँ क्योंकि आलस्य आ जाती है एक आदमी के लिए बनाने के लिए, तो वो अभी मेरे पास नहीं कि मैं गेहूँ की रोटी ले रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं ज्वारी की रोटी खाऊँ। बाजरी नहीं, बाजरी ब्लैक होता है, ज्वारी वाइट होती है, तो ज्वारी की रोटी खानी चाहिए अपने हेल्थ, मतलब डॉक्टर बोलता है मोटा अनाज खाया करो, तो मोटे अनाज में वो आता है,
तो मैं वही कोशिश करती हूँ, मैं नहीं हो पाता है मेरे से तो उतनी बोलूँगी, मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं वो ट्राई करूँ, बट कभी कभी टाइम नहीं होता है ना, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है, जाओ लेकर ऑफिस वाओ तो नहीं रह पाता। तो सोच रही हूँ कि अभी मेरे ख़त्म हो चुका है और उसमें थोड़ा सा मैं गेहूँ का आटा डाल लेती हूँ, क्योंकि ज्वारी की रोटी बनाने सबके बस की बात नहीं है, खाने के वास्ते बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो ज्वारी की रोटी सबके बस की बात नहीं बनाना, तो उसमें गेहूँ की रोटी और बेसन चने का पाउडर में डाल लेती हूँ और उससे मैं रोटी बनाती हूँ। लेकिन हमेशा नहीं हुआ, कभी कभार 6 महीने में हो गया, आलस की वजह से, और कोई रीजन नहीं, आलस की वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि कभी लेट आओ फिर आने के बाद से खरीदने जाओ ऑफिस वाओ तो नहीं हो पाता। हाँ सैटरडे को भी एक्चुअली अभी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल घर फिर ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा, लेकिन बट मैं सैटरडे को पक्का मैं ज्वारी पिसवाऊँगी और गेहूँ के आटे में डाल के अपने लिए रोटी बनाऊँगी। और इधर मेरा खीर, खीर को चढ़ा रही हूँ मैं, एक दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी मैं कि मेरा पूरे दिन की डाइट प्लान क्या है। जिस दिन छुट्टी पे रहूँगी ना, नहीं छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है मेरा, जैसे मैं राइस खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ तो हो जाता है। जिस दिन ये बन गया मेरे खीर, और खीर बनाए मैं अपने लल्लो को पहले खिलाऊंगी, फिर घर के सभी लोग खाएंगे, बिकॉज सबने मना किया खाना नहीं बनाना, क्योंकि पकौड़े लोगों ने इतना ज़्यादा खा लिया था कि उन्होंने मना कर दिया। मैं दूध लूँगी और ये खीर खा ली, लल्ला खीर खा ली है, और लल्ला के खीर खाने के बाद से नवीन खीर खा रहे हैं। नवीन खीर खा के बताओ कैसा बनाए, कैसा बनाए? तो खाओ मत ना, मतलब अच्छा नहीं बनाया, इतने गंदे होते, इतनी मेहनत से बनाई हूँ मैं। मैं जब रम खा रहा हूँ क्या, मेरे से अच्छा तेरी मम्मी बनाती है ना, मैं बनाता हूँ। हाँ मतलब तेरी मम्मी से अच्छा तुम बनाते हो, मैं तो आज तक तुम्हारे यहाँ का कभी खाई नहीं हूँ। हाँ खीर तो कभी नहीं खाई हूँ, खीर तो मैं ही बनाती हूँ तुम्हारे लिए, देखे पीहू ने तारीफ कर दी मेरी। डर क्या मारे, तुम नहीं डरते हो क्या मेरे से, तुम तो इतना डरते हो मेरे से, तुम्हारे घर वाले भी बोलते हैं तुम्हारी बात मानता है। हाँ लो सही बोलो यार, कैसा बना है? अच्छा बनाया, और ले लो बेटा और ले लो, कल सुबह खा के जाना, नहीं नहीं खा के कल मत आके खाना, छोटा चावल है ना, सबको पसंद आया है ना, पीयू खीर पसंद, और मेरे महादेव जी को भी बहुत पसंद है ना महादेव जी, महादेव जी अच्छे नहीं है, बीबी की तारीफ नहीं करते, सभी लोग बीबी की तारीफ करते हैं बट ये बीबी की तारीफ बिल्कुल नहीं करते, इतनी मेहनत करने के बाद मैं बनाती हूँ, बीबी मेरी तारीफ नहीं कर रहे, सोचो आप लोग के महादेव लोग ऐसे हैं क्या, या चैनपुर के महादेव ऐसे होते हैं, चोरवा चैनपुर के महादेव लोग ऐसे, गाँव का नाम सुन के भड़क गए, गाँव का नाम चोरवा चैनपुर नहीं है क्या, चोरवा चैनपुर ही है तुम्हारे गाँव का, क्यों ना मैंने ऐसा गांव क्यों पड़ा तुम्हारा, इनको भी नहीं मालूम है इनके गांव का नाम चोरवा चैनपुर क्यों है, हमें तो मालूम ही नहीं होगा क्यों है, हम तो जाते ही नहीं बोलता, मैंने काउंट करके आई थिंक 6-7 बार गई हूं, अरे मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ इतनी गर्मी में, मेरे बाल एकदम पतले हो गए, बालों के साथ आपने भी टाइम, इसको बुलाया कि दादी है गांव से जा रही, दादी को यही बुला लो, दादी दादाजी को यही बुला लो, यहीं पर रहेंगे, क्या चीज की प्रॉब्लम है यहाँ पे, हर चीज है यहाँ पे, तो मैं देख लो फाइनली इन्होंने तारीफ कर दी, मेरे महादेव जी ने फाइनली तारीफ कर दी, बोला मजा आ गया, बोला पेट भर के मजा आ गया, अच्छा मतलब खाना खाया था ना तुमने, तारीफ इनसाइड ओके तारीफ करी दी इन्होंने, वो जाएगी मेरी साड़ी आती है, हां मैं ले लूंगी, हां कौन सा मराठी साड़ी, इसको लगने वाली है ना 28 को, अगर फिर अच्छी नहीं होती तो इतने चटकारे ले लेके खाते नहीं मेरे महादेव, सफा चट हो गया, इसे दो दो बाउल खाया इन्होंने, एक नहीं एक बार अभी इससे पहले दिया था, फिर अभी खाया,
सो गाइस आज का कंटेंट यही है कि मेरी इवनिंग डाइट में क्या रहता है, स्नैक्स क्या रहता है, तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो उसको आप लोग फॉलो करो अगर वेट ज़्यादा है तो। खा लिया मैंने, वो खाए ना पकौड़े खाए, वो पकौड़े बोलते हैं जो आंटी ने सब्जी दिया था, वो सब्जी और वो खाया, खा लिया। तो मुझे मेडिसिन खाना रहता है, तो इसलिए नवीन डांट रहे हैं कि मेडिसिन साथ खाना खाना होता है, तो मैंने खाया खाना, ऐसा नहीं खाना खाया, पिंपल्स आ रहे और मेरी राधा रानी कृपा बरसाए रखना। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत 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 सारा प्यार देना और बहुत ज़्यादा अपने शेयर करो। आप लोग मोटे हो तो रनिंग करो, योगा करो, डाइट करो। और मैं तो मोटी मेडिसिन की वजह से हो गई थी, बट अभी डाइट चालू किया मैंने, सो वेट कम हो जाएगा। सिर्फ 3 किलो वेट बढ़ा था मेरा, मेरा 55 है, बट अभी मैं फाइनली बता दी मेरा 58 हो गया है, बट 58 नहीं होना चाहिए, 55-54 होना चाहिए, उतना होना ही चाहिए मेरा, तो वो मैं कर लूँगी। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं तो 5 किलो क्या 10 किलो वेट कम करूँगी, मैं ये ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट करती हूँ मैं। और पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है तो आप लोगों को डिस्टर्ब होता है। सो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारा बहुत 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 सारा प्यार।